दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी आप किसी को मत बताना कि मैं यहाँ छिपी हूँ। पर क्यों? दीदी मैं आपको सब बताऊंगी पर किसी को मत बताना मैं यहाँ छिपी हूँ, ठीक है? पर बताओ ना क्या हुआ। दीदी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अरे सुनो तो। अरे बहन तुमने यहाँ किसी लड़की को भाग कर आते हुए देखा क्या? नहीं नहीं मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा। याद करो ना, ठीक से याद करो। नहीं मुझे याद है, मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा। अरे उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, साड़ी पहनी हुई थी और गले में माला था। नहीं ऐसी कोई तो लड़की मैंने देखी नहीं है। वो इतनी सी थी, याद करो ना, ठीक से याद करो। नहीं नहीं मुझे याद है, शायद वो उस तरफ गई होगी। हाँ शायद उस तरफ गई होगी। इधर आओ तुम, जल्दी से इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी। इधर आओ, कौन थे वो लोग जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ रहे थे, बताओ जल्दी से। और तुम ये जोड़े में क्यों हो, दुल्हन के जोड़े में तुम क्यों हो, और मेकअप, ये घर गहने, ये माला क्यों पहनी हो? दीदी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पहले आप अपना मोबाइल दीजिए ना मुझे। मैं तुम्हें अपना मोबाइल क्यों दूँ, तुम्हें किससे बात करनी है? दीदी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए ना। अरे तुम्हें किससे बात करनी है वो तो बताओ पहले। प्लीज दीदी दीजिए ना प्लीज। अरे रुको, किससे बात करनी है वो बोलो। प्लीज दीदी मैं सब कुछ बता दूंगी आपको, दीजिए ना। हाँ ये लो, लॉक तो खोल के दीजिए। हाँ ये लो। अरे बताओ ना किससे बात करनी है। बताती हूँ बताती हूँ। दीदी आप उन्हें देखते रहिए, कहीं वो आ ना जाए, ठीक है? पर तुम किससे बात कर रही हो? अरे दीदी मेरे घर वाले ना मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रहे? हाँ। अच्छा हेलो गौतम, हाँ तुमने जिस जगह में बताया था ना मैं वहाँ आ चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? कैसे, रुको एक मिनट मैं अभी चेक करती हूँ। हाँ खुली थी ना तो सारे पैसे उठाकर लेकर आ गई, चिट्ठी वगैरह सब घर में रख के आई हूँ। वो मम्मी मेरे पीछे पड़ गई थी। हाँ मम्मी चली गई, अब मैं बस तुम्हारे पास आ ही रही हूँ। हाँ ठीक है बाय, ये लीजिए, थैंक यू। वेलकम। सुनो तुम घर से भागकर आई हो ना, और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सच सच बताओ घर से भागकर आई हो ना तुम? हाँ भागकर आई हूँ घर से। पर क्यों? क्योंकि घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। अच्छा ठीक है अब मैं जाती हूँ। अरे रुको मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, बताओ किसके साथ बात कर रही थी तुम? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी, और मैं उसके साथ भागने वाली हूँ, जा रही हूँ मैं। अरे सुनो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो 14-15 साल की हो, और बॉयफ्रेंड के साथ भागने चली हो? तुम्हारे माँ बाप से गलती तो तुम कर रही हो उसके साथ भाग कर। जब तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि तुम उससे भाग रही हो तो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, जरा सोचा है अपने माँ बाप के बारे में? तो वो लोग भी तो मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं ना, क्या ये सही है? तुम अपने माँ बाप को प्यार से समझा भी तो सकती हो, अगर तुम उनकी बेटी हो तो वो तो सुनेंगे ना तुम्हारी बात, भागने क्यों चली हो तुम इतनी छोटी उम्र में? तुम पुलिस के पास भी तो जा सकती थी ना, इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारे ये जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ रहते हुए कितना महीना या कितना साल हो गया? 8 महीना। क्या तुम 8 महीने के लिए 15 साल की माँ बाप का प्यार दांव पे लगा रही हो? तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें छोटे से इतना बड़ा किया, और तुम उन्हें छोड़कर किसी अनजान आदमी के साथ भागने चली हो? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कदम उठाते हुए? रुको मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को बुलाएगी तो? हाँ पुलिस को बुलाएगी तो? पुलिस को बुलाएगी? हाँ गौतम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते। पहले तुम ये बताओ तुम पैसे लेकर आई हो? हाँ पूरे पैसे लेकर आई हूँ, 5 लाख रुपए। दिखाना। ये लो। अरे वाह पैसे तो सारे। चलो अब तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैठती हूँ। ए मेरे गाड़ी को टच मत कर, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ये तो बस मेरा पैसे कमाने का जरिया था। ये तुम क्या बोल रहे हो? जो तू सुन रही है, मैं तो बस प्यार का नाटक कर रहा था तुझसे। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज के बाद मुझसे कोई कनेक्शन मत रखना, ठीक है? चल जाए यहाँ से। अरे ऐसा मत करो, मेरे पैसे दे दो, मेरे